वीरवार को प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने हिसार से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार ब्रिजेंद्र के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। सेक्टर 14 में पहुंचने पर लोगों ने उद्योग मंत्री विपुल गोयल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विपुल गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार अब की बार 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि हिसार लोकसभा को अब की बार बीजेपी सरकार ने एक अच्छा उम्मीदवार देने का काम किया है और हिसार की जनता से उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजेंद्र सिंह की हिसार से जीत पक्की है, अब वह केवल जीत का मार्जिन बढ़ाने में लगे हुए हैं। विपुल गोयल ने कहा कि आज हिसार में आधा दर्जन जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और लोगों का अपार समर्थन बीजेपी के प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह को मिल रहा है। इस अवसर पर ब्रिजेंद्र सिंह की पत्नी जसमीत सिंह ने भी लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। चाहे हिसार की बात हो, चाहे करनाल की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो, चाहे फरीदाबाद की बात हो, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने वाली है और 23 तारीख को भारी बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। रोहतक में मुकाबला बहुत टाइट है। रोहतक में मैंने कहा ना, रोहतक की बात हो, सोनीपत की बात हो, चाहे अम्बाला की बात हो, सिर्फ मार्जिन की बात है कि कितना मार्जिन बढ़े, बाकी जीत सुनिश्चित है। रोहतक के अंदर, सोनीपत के अंदर, चाहे अम्बाला की बात हो, सभी जगह हमारी जीत सुनिश्चित है। सिर्फ लड़ाई है तो कितने मार्जिन से हमारा प्रत्याशी। सर, किन के लिए आज आप अपील कर रहे हैं? आज यहाँ पर चौधरी विजेंद्र सिंह यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं, जिन्होंने IAS की नौकरी छोड़कर इस चुनावी समर के अंदर अपना टिकट मांगा और लोगों की सेवा करने का उन्होंने पार्टी से आग्रह किया तो पार्टी ने उसे माना और एक बहुत ही उपयुक्त प्रत्याशी बहुत दिनों के बाद हिसार को मिला है और हिसार की जनता इसे जानती है कि किस तरीके से विजेंद्र सिंह जी ने 21 साल के अंदर प्रशासनिक सेवा के द्वारा लोगों की मदद की और अब राजनीति में आकर लोगों का कहते ना इस हिसार का और डेवलपमेंट करने के लिए वो आ गया। किस तरह का रुझान दिख? बहुत ही अच्छा रुझान है। मैं सुबह से 7-8 मीटिंग्स कर चुका हूँ हांसी के अंदर, हिसार के अंदर। लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है और इस मार्जिन को बढ़ाने की बात लोग कर रहे हैं।